गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 3। अभी तक हम दो भाग पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरे भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय और उनका निरूपण, है ना। इसे हमने पिछले भाग में भी थोड़ा देखा था, इस भाग में हम इसे खत्म करेंगे, है ना। तो ये आपकी पुस्तक में 1.2 में दिया हुआ है, समुच्चय उनका निरूपण, जिसे हम सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। समुच्चय और उनका निरूपण, है ना। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब हम समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो हमें कुछ नियम वगैरह, है ना, कुछ नियम है, उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है ना। यह बताया कि रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, समुच्चय के सारे अवयव को या फिर वस्तुओं को सूचीबद्ध करते हैं ना, और उन्हें हम अर्धविराम से पृथक या फिर अलग अलग करते हैं और एक मजली कोष्टक के अंदर, है ना, मजली कोष्टक के भीतर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे उदाहरण भी हमने दिया था कि जैसे 7 है, 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रूस्टर रूप में 2 4 6, है ना, और ये मजले कोष्टक के अंदर इस रूप से करेंगे, है ना। 7 से कम, है ना, पूर्णांक होना चाहिए, है ना, तो मतलब, और सम पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 7 तक, है ना, मतलब 0 से लेके 7 तक, है ना। और क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब 2 के पहाड़े में आना चाहिए। क्या आएगा, 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, है ना, उसके आगे नहीं आ सकता क्योंकि उसके आगे सम संख्या क्या होगी, 8 होगी, जो कि क्या है, 7 से ऊपर है ना। और 2 से कम नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 2 से कम, 2 क्या है, 2 के पहाड़े में पहली संख्या है 2, है ना, तो क्या हुआ, सम हो, इससे कम सम संख्या भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 2 4 6 मजली कोष्टक के अंदर इसको, है ना, 2 के 2 कौमा 4 कौमा 6, है ना, 2 अर्धविराम 4 अर्धविराम 6, तो इसे हम बोलते हैं रोस्टर रूप, है ना, या फिर रोस्टर फॉर्म। किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रदर्शित करने के कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए, ये भी हमने पिछले भाग में देखे थे, है ना, तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना, 42, संख्या 42 को विभाजित करने वाली, तो क्या 1 2 3, है ना, और 6, 6 भी 42 को विभाजित करता है ना, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 7 भी करता है, है ना, 7 6 42, है ना, फिर उसके बाद 14 करता है, 14 3 42, है ना, 21 2 42, या फिर 42 1 42। तो ये जो संख्या है 1 2 3 6 7 14 21 42, ये क्या है, ये संख्या 42 को विभाजित करती है ना। और इन्हें जब हम मजली, है ना, इन संख्याओं को जब मजली कोष्टक के अंदर रखते हैं अर्धविराम से पृथक कर करके, तो ये क्या होते हैं, रोस्टर रूप में समुच्चय दिए हुए, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 5 होते हैं, है ना, हम सबको पता है क्या है, AEIOU, है ना, AEIOU, ये 5 क्या है, ये स्वर है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, मतलब AEIOU का समुच्चय, है ना, रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, ए अलग ई अलग, है ना, AEIOU, इन सबको हम अर्धविराम से पृथक करेंगे और मजले कोष्टक के भीतर लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हुए, ये भी रोस्टर रूप में समुच्चय हुए, ठीक है। ऐसे सी, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना, विषम, विषम मतलब जो 2 के पहाड़े में ना हो, मतलब 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, और क्या हो, प्राकृत मतलब 1 से लेके, है ना, 1 2 3, ये होते हैं ना प्राकृत संख्या, तो ये केवल विषम प्राकृत संख्याओं का सेट या फिर समुच्चय, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 3 5 7 9 11, है ना, और ये 3 डॉट या फिर 3 बिंदु क्यों लगे हैं, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, ये सूची क्या है, अंतहीन, है ना, क्यों, क्योंकि इनने हमें नहीं बताया कि हमें विषम प्राकृत संख्या कहाँ तक लेनी है ना। हम तो ऐसे लिखते जाएंगे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, है ना, ऐसे हम लिखते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक लिखे, इसलिए हम थोड़ी सी संख्या लिख के, जैसे 1 3 5 लिख दिया, उसके बाद 3 बिंदु रख देते हैं, है ना, इसका मतलब क्या है कि सूची जो है वह क्या है, अंतहीन, ठीक है। तो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 3 5, है ना, इसे हमने मजली ब्रैकेट, है ना, ये जो ब्रैकेट है ना, अगर आप ये लगाना भूल गए तो हो सकता है कि आपका प्रश्न गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज को ध्यान से देखना,
ठीक है, अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है। ठीक है, नोट कीजिए कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जो है जैसे ए ई आई ओ यू है ना, अब या तो हम ए ई आई ओ यू लिखें या फिर यू ए ई आई ओ लिखें, है ना, मतलब जो उसका क्रम है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो संख्या या फिर जो अवयव है वह पूरे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर और उसमें यू नहीं है, अगर यू नहीं है तो ये क्या है, ये समुच्चय गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि सारे अवयव हों जो भी समुच्चय में होने चाहिए, है ना, और उनके क्रम से हमें, है ना, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या नोट करना है कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार उपयुक्त समुच्चय को 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42 प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। ये जो है कैसे लिखा है, 1, 2, 3, 6, 7, है ना, 14, 21, 42, या फिर इसे हम 1, 3, 7, 21, 2, 6, है ना, 3 और 2 हमने अलग अलग कर दिए, तो ऐसे भी अगर हम लिखेंगे तो भी ये जो रोस्टर रूप है वही वह सही माना जाएगा, क्योंकि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक है, टिप्पणी, यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, है ना, जैसे कि ये स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल में क्या है, अगर आप देखो तो SCH और O क्या है, 2 बार है। ठीक है, तो जब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम इस O को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, है ना। देखो मजली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, SCH, एक ही बार O लिखा, 2 बार नहीं लिखा, है ना, मतलब रोस्टर रूप में हम किसी भी अक्षर या फिर किसी भी अवयव को, है ना, हम उसे बार बार नहीं लिखते, हम सबको एक ही, अगर यहाँ पे 4, 5 O भी होते तब भी हम सिर्फ एक ही O लिखते। ठीक है, तो हमें हर एक अवयव एक बार ही लिखना है, तो SCHOOL का क्या हुआ, SCHO है, जो कि किसमें, मझले ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। उदाहरण के लिए शब्द स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय SCHOL है, ना कि SCHOOL, है ना, जो O 2 बार दिया हुआ था स्कूल में उसे हमने सिर्फ एक ही बार रोस्टर रूप में उसके समुच्चय में लिखा, है ना, SCHOOL, और ये क्या है, SCHOL। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। चल दूसरा, समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता, है ना। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, अगर आप देखो, है ना, कि कोई भी हम समुच्चय देखते हैं तो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनमें एक विशेष गुणधर्म होता है जो कि उस समुच्चय के बाहर जो अवयव है उनमें नहीं पाया जा सकता। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी मैंने देखा था कि सम संख्या सम प्राकृत संख्याएं 7 से कम, है ना, तो सम प्राकृत संख्या 7 से कम, तो इसमें क्या आएगा, सम संख्याएं आएंगी जो कि प्राकृत होनी चाहिए और 7 से कम होनी चाहिए। अब 7 से ऊपर जैसी संख्या जाएगी वह इस समुच्चय से बाहर है ना, तो उसके अंदर जो 2, 4 और 6 है ना, ये 3 अवयव भी थे, तो जो 2, 4, 6 है यही 3 है जो कि 7 से कम भी है, सम भी है ना, और क्या है, और प्राकृत संख्या भी है ना। 7 से ऊपर अगर हम जाएंगे तो 8 है ना, तो ये क्या है, ये सम है लेकिन 7 से बड़ा है। ठीक है, तो ये समुच्चय का भाग नहीं है ना, तो हर एक समुच्चय के अंदर समुच्चय निर्माण रूप में जब हम बात करते हैं, अभी हमने रोस्टर रूप की बात करें, तो हम समुच्चय निर्माण रूप में उस गुणधर्म, है ना, उस गुणधर्म को हम दर्शाते हैं, उसे हम निरूपित करते हैं। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। उदाहरणार्थ समुच्चय AEIOU के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है ना।
जो समुच्चय निर्माण रूप है उसमें कोई एक गुणधर्म होता है जो कि समुच्चय के बाहर और किसी अवयव में नहीं होता है ना, सिर्फ उसी के अवयव में होता है ना। जैसे कि हमने उदाहरण देखा कि अगर हम समुच्चय AEIOU की बात करें, इसमें क्या है, इनका गुणधर्म है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, है ना, और अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 5 ही स्वर है और वो ये है AEIOU। अब इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर है वह स्वर नहीं है ना, तो इनका गुणधर्म क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होना। ठीक है, तो सभी अवयवों में एक सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है, है ना, इस गुणधर्म वाला और कोई अन्य अक्षर नहीं, क्योंकि और जो भी अन्य अक्षर होगा वह क्या होगा, है ना, वह स्वर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्वर सिर्फ 5 ही अंग्रेजी वर्णमाला के जो कि इस समुच्चय के अंदर है। ठीक है, और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं। इस समुच्चय को वी से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं, अब देखो अभी हमने क्या कर रहे थे, हम रोस्टर फॉर्म में या फिर रोस्टर रूप में लिख रहे थे, अब हम समुच्चय निर्माण रूप में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए हम समुच्चय को वी से निरूपित करते हैं तो क्या होगा, वी इक्वल्स टू सभी एक्स के समुच्चय जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है ना। इसे हम अंग्रेजी में एक्स सच दैट एक्स भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, सभी एक्स का समुच्चय जिसमें एक्स क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिखेंगे फिर एक कॉलन लगाएंगे फिर एक्स लिखेंगे और जो गुणधर्म है जो कि इन्हें दूसरों से अलग बनाता है इस समुच्चय को, है ना, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है वह लिखेंगे। तो क्या हुआ, वी इक्वल्स टू, है ना, एक्स सभी एक्स के समुच्चय जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। ठीक है, यहां ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक एक्स का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपने देखा हम एक्स का प्रयोग कर रहे थे कि एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है ना। यहाँ हम समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए प्रतीक एक्स का प्रयोग करते हैं। हम एक्स के स्थान पर वाई जेड या फिर किसी अन्य अक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक्स के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर वाई जेड आदि, जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह लिखते हैं, है ना, लिखा एक्स कोलन एक्स, है ना, और इसके उपरांत हम कोलन का चिन्ह लिखते हैं। कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को मजलिक पुस्तक के भीतर लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स दैट एक्स, है ना, मतलब एक्स के सभी समुच्चयों के लिए एक्स क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोलन लगाते हैं और कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं। ठीक है, जो जो उसका विशिष्ट गुणधर्म है जो उसे बाकी अवयवों से, है ना, समुच्चय के बाहर जो वस्तुएं हैं उनसे अलग बनाता है ना, उस विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को मजलिक कोष्टक के भीतर लिखते हैं। समुच्चय वी के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है, ये समुच्चय वी है, इस वर्णन को हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। सभी एक्स का समुच्चय, है ना, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, क्या, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, इस वर्णन में कोष्टक का प्रयोग सभी एक्स का समुच्चय के लिए और कोलन का प्रयोग जहाँ एक्स के लिए किया जाता है ना। इस वर्णन में जो कोष्टक का प्रयोग है वह सभी एक्स के, जो कोष्टक का प्रयोग है वह सभी एक्स के सभी एक्स का समुच्चय के लिए और कोलन का प्रयोग वो किस लिए, जहां एक्स के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ए क्या है ना, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स एक प्राकृत संख्या है और थ्री जो एक्स है वह 3 से 10 के बीच में है ना। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे,
सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और क्या है, एक्स क्या है, 3 और 10 के बीच में है ना। तो ये रहा उसका सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, या फिर समुच्चय निर्माण रूल, क्या है, समुच्चय निर्माण रूल, ठीक है। और ये रहा उसका विवरण, ठीक है। अतः संख्याएं 4, 5, 6, 7, 8 और 9 समुच्चय ए के अवयव हैं, है ना। क्या है, एक्स क्या है, 3 और 10 के बीच में है, और एक प्राकृत संख्या है, और 3 और 10 के बीच में प्राकृत संख्या कौन सी, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, है ना। तो 3 से लेके 4 से लेके 9 तक ये क्या हुए, इस समुच्चय का भाग हुए, है ना। तो ये क्या है, समुच्चय ए के अवयव है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, यदि हम ऊपर ए बी और सी में रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चयों को क्रमशः ए बी सी से प्रकट करें, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, क्या ये हमने पढ़ा था, है ना, ये जहां पे संख्या 42 को विभाजित करने वाली संख्या, है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का वर्णन कर रहे थे, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर के समुच्चय का, या फिर विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का। तो अगर हम इन्हें सेट बिल्डर या फिर, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और जो संख्या 42 को विभाजित करती है ना। तो इससे इससे हम रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं, इससे हमें समझ में आया कि एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और जो संख्या 42 को भी विभाजित करती है ना। ऐसी बी क्या होगा, है ना, बी क्या होगा, सभी वाई के लिए समुच्चय, जहां वाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, वाई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू हो गया। ऐसे ही सभी जेड का समुच्चय, जहां जेड एक विषम प्राकृत संख्या है, क्या है, विषम प्राकृत संख्या, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, मतलब अंत अनंत, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज की हमने जो भी पढ़ा, आपको उम्मीद है सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने समुच्चय और उनका निरूपण, है ना, इसे हमने खत्म कर दिया, जो कि आपकी पुस्तक में 1.2 पे दिया हुआ था। अब अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, है ना, 5 उदाहरण है जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसी से मिलते जुलते तो हम उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद, थैंक यू।